सुबह के 9:47 है और ये है एपिसोड नंबर 9। वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप? आपको गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। आज हम कुछ बातें करेंगे, हमने कुछ बिल्डअप करी थी वो हम आपको दिखाएंगे। कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन किया था तो हमने एक बेस बनाया था। काफ़ी टाइम तक ऐसे भिखारियों की तरह ज़मीन पर सो रहे थे, ठीक है, यहाँ सो रहे थे, इधर उधर सो रहे थे, तो मैंने एक बिल्डअप करी है। और 3, 2, 1 ये देखिए चिरकुट सा मकान। आइए आपको इसका सैर कराते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमने बाद में बनाया था, ये जो ये है ना, ये हमने अपने दिमाग से बनाया। आप देख ही सकते हो कितना फालतू सा, एकदम बेहुदा सा बना। माइनक्राफ्ट क्रिएटिविटी का नाम है। और हमारी क्रिएटिविटी देखिए, ये देखिए हमारी क्रिएटिविटी है। ये देखिए, ये हमने बनाया है मेरे सपनों का महल। असल में क्या है कि ये मेरा पहला बेस था, ठीक है। लोग इधर उधर कहीं ज़मीन पर रह रहे थे, और ज़मीन पर रह रहे तो रिस्क इस बात का ना भाई कि कभी भी क्रीपर आकर के उड़ा सकता है। क्रीपर आके उड़ा देगा तो सारा आइटम इधर उधर गिर जाएगा भाई। हमारे अंदर इतना जिगर मेहनत नहीं है भाई कि कोई सामान नीचे गिर जाएगा तो ढूंढने के लिए। आप सोचो ना, अगर जो आप किनारे रह रहे हो और कहीं अचानक से आकर के चेस्ट गिर जाए, चेस्ट फूट जाए, तो कई सारा सामान इधर उधर गिर जाएगा भाई। हम उसको लाने के लिए बड़ी सर दर्द होगा। और वैसे भी यार, आज पता है क्या हुआ? आज हम आपको बता रहे हैं आगे एपिसोड में क्या हुआ था। बड़ा तकलीफ हुआ यार मेरे को, मेरा लेवल 8 है, पता है। अभी मेरा एक्सपीरियंस लेवल देखिएगा आप, नीचे में 8 दिखा, अरे नीचे बोले तो नीचे आ गए, चलो ठीक है। तो सुनाओ, पता है क्या हुआ था? जब हम ये बनाना शुरू किए ना, तो हम इसको अपना मेन बेस बनाना चाहते थे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हम आराम करेंगे, यहाँ से उड़ के चला जाएंगे वहाँ पर। बट क्या हुआ ना कि ऊपर में कुछ लाइटिंग करनी थी, जो अभी हम बताएंगे नहीं, बाद में कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो क्या होता है कि बिगड़ गया था, मतलब सही से सेटिंग उठी बैठ नहीं पा रही थी। तो हम सोचे कि इसको बाद में किया जाएगा। यहाँ पे दो कैट मिल गए थे, तो दोनों को कैट में चुम्मा चुम्मी करवाए थे, तो दोनों को चुम्मा चुम्मी करवाए कैट को, तो एक और कैट आ गया यहाँ पे। ये देखिए, म्याऊं म्याऊं। अब इसको उठाएंगे ना, जाएगी सीधे जाके इस पे चेस्ट पे जाके बैठ जाती है, फिर बेड पे जाके बैठ जाती है। हम काफ़ी सारे फार्म्स बनाने वाले हैं, तो उनको इसे कनेक्ट करेंगे। देखो, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ बहुत सुंदर सा हम घर बना दिए थे लकड़ी उकड़ी का, तो हम हॉपर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आगे चल के यहाँ पर रेल्स लगाएंगे, काफ़ी सारे रेल सिस्टम है भाई। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों मज़ा आने वाला है? क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। अगर जो हम जिंदा रहे, जो हमको लगता है शायद रहेंगे, आई डोंट नो। एपिसोड नंबर 9 चल रहा है, एपिसोड नंबर 90, एपिसोड नंबर 900 भाई। मतलब एक परिवार होगा, वाह एक परिवार होगा, और हम लोग साथ में मिलकर बहुत औसम चीज़ें करेंगे। तो अभी के लिए मैंने एक बेसिक सा अपना एक बेस बनाया था। आप देख सकते हो हमने नेट से कहीं से कॉपी नहीं किया था। लोग जनरली मतलब हमको नहीं पता, लेकिन कई लोग ना कॉपी कर लेते हैं यार। मतलब यूट्यूब से देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे इतना औसम बिल्ड बना, वही बना लेंगे। ये हमने कम्प्लीटली अपने दिमाग से बनाया है, हमने कहीं से कुछ भी नहीं कॉपी करी है, और कुछ खास बना भी नहीं है। हमने कांच इसलिए लगाया ना भाई, क्योंकि कांच लगाने से ना अमीरों वाली फीलिंग आती है, ठीक है। हमने इसलिए कांच लगा दिया। और दूसरे कारण ये भी था कांच लगाने का ना, कि यार नीचे अगर जो सोते हैं ना, मतलब कि गजब के नीचे का व्यू दिखता है भाई। देख रहे हो कितना कमाल का व्यू दिख रहा है? ऐसा लेट्स प्ले में आपको कौन सा लुक दिखा देगा बताओ? ऐसा व्यू देख रहे हो, कितना कमाल का लुक दिख रहे हो, मस्त लुक दिख रहा है ये देखो। अगर जो पता, रात जब हो जाता ना भाई, रात जब हो जाती इधर बहुत डरावना लगता है। बस खाली हमको एक खाली ऐसे करना है, खाली एक ऐसे करना है बस, धड़ाक से गिरेंगे एकदम नीचे। और नीचे गिरेंगे भाई, हमको नेदराइट बहुत प्यारा है भाई। हमको पता है बहुत बहुत मशक्कत करा था, बहुत हमने पेन उठाया था, तब जा करके नेदराइट मिला हमको। तो यार हम इसको खोना नहीं चाहते हैं। तो एक तरीके से इसका व्यू हो रहा है, यहाँ से अपना मकान का, मतलब कि अपना घर का पूरा व्यू आ जाता है। और दूसरी बात ये है ना कि अगर जो आपको उड़ के जाना है ना, तो आप यहीं से उड़ के जा सकते हो। अगर जैसे मान लो कि जाना है यहाँ पे, ए गिरे ये देखो, तो यार एक लुक कमाल का आता है, ठीक है, धीरे धीरे करके करके। और ये पता है, जब हमने साइड में ना ये ब्लॉक्स यूज किया है जो कि लाइट वाला है, इसको कहते हैं हम लोग शुरूम लाइट, ठीक है। ऐसा करने से ना ये दूर से मतलब दिखने लगता है, अगर जब मुड़ के जाएँ ऐसे, ठीक है। देख लो यार कितना मज़ा आ रहा है, इलेक्ट्रा के बिना मज़ा नहीं आता। अच्छा, हमने थर्ड एपिसोड में इंडर ड्रैगन को पेल दिया था। तो हम जैसे बताएं भाई, खूब बड़ा सा माइनिंग वाइनिंग करके ना, या फिर एंड पोर्टल से होते हुए जब वापस आते हैं, दूर से ये दिखता ना भाई, ऐसा लगता है यार कि अपना एक घर का सुकून मिल गया है कुछ टाइम का। बड़ा अच्छा लगता है यार, बहुत मज़ा आता है, समझे। कमाल की औसम की चीज़ें की जाएंगी। और ये देखो भाई, एक मस्त सा सनसेट हो रहा है, एक खूबसूरती यार। माइनक्राफ्ट से इतना खूबसूरत गेम आपको कोई लगेगा? लोग बोलते हैं ब्लॉक गेम है, ग्राफिक्स नहीं है। अरे ससुर, इसको ग्राफिक्स नहीं कहेंगे तो क्या तुम्हारे थोबड़े को ग्राफिक्स कहेंगे? देख लो भाई, मतलब कमाल का यार, देख रहे हो? वाह, आई लव दिस ड्यूड, आई रियली लव दिस। देख रहे हो, मस्त दिख रहा है एकदम। ये देखो, अगर जो हम पता है, अगर हम दूर से उड़ते हुए जाएं, ये देखिए, अगर जो हम देखो अभी मोटर उड़ रहे हैं, ठीक है। देखो कितना कमाल का दिख रहा है, हम वापस आए, ये देखो, सोच रहे एकदम अनंत, एकदम खतरा, कभी भी गिर सकते हैं। और ऐसा जगह पर एकदम रिजॉर्ट जैसा बना हुआ है, आई रियली लव दिस। तो गाइस देख रहे हो, ये कितना कमाल का लुक लग रहा है। तो अगर जो आपके पास कोई आइडिया हो ना, तो आइडिया दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमको यार, हम देखो, हम क्या है ना,
हम पबजी वाले आदमी, ठीक है। हमको गेम प्ले में आपको जनरली क्या दिखेगा ना, हमारे गेम प्ले में आपको जनरली दिखेगा कि हंसी मजाक कर रहा है, बकचोदी कर रहा है, कॉमेडी कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा फाइट उट भी करेंगे, हमको फाइट उतना आता नहीं है। फाइट से याद आया, पता है हम कितना बार मरे, देखो दिखा रहे, ये देखो साला विदर स्केलेटन ना भाई मेरा दिमाग खराब करके रख दिया था। ये देखो हमको सबसे ज़्यादा करके कोई मारा है ना, तो ये विदर स्केलेटन ने मारा, 5 बार मारा साले ने, हमने 180 विदर स्केलेटन को मारा है। हमको ब्लेड 6 बार मारा है और विदर स्केलेटन 5 बार मारा है। सबसे ज़्यादा अगर जो मेरी मौतें हुई हैं तो निदर में हुई हैं, बहुत पेनफुल होता है यार निदर यार। तो पता है हमने विदर स्केलेटन को मार मार के ना आज पता है, ये देखो ये लाया हमने, ये देखो विदर स्केलेटन स्कल, 9 विदर स्केलेटन स्कल आ गया है। अब आपको पता है कि इसका क्या मतलब है। विदर स्किल, पता है विदर से फाइट करना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि विदर से फाइट करेंगे तभी हम लोग को बीकन उगर मिलेगा, और बीकन से थोड़ा स्पीड बढ़ती है, क्योंकि बार बार आना जाना, चढ़ना उड़ना, ऐसे वैसे जैसे तैसे, मतलब बहुत टाइम लगता है। वाह दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये एक AFK फिशिंग फार्म है जो मनाने की कोशिश किए थे, और पता है ये साला ऐसा उसने बताया है, ऐसे उसने बनाया है फार्म कि मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है। ये देख रहे हो, हम इसे फिशिंग ही नहीं पा रहे, हम इसको AFK फिशिंग के लिए हमने बनाया था। AFK फिशिंग करेंगे तो कुछ मतलब कि हमको टैक्स की जरूरत थी ताकि आगे फार्म बनानी है। ये देखो कुछ इसे हो ही नहीं रहा भाई, कुछ हो ही नहीं रहा, और मेरा इसमें इतना टाइम बर्बाद हुआ। इसलिए हम बोलते हैं अगर जो आप कोई भी फार्म बना रहे हो ना, तो आप नेट से देख लो, आप नेट से देख लो, और उसके बाद से आप इसको क्रिएटिव में बनाओ, पहले क्रिएटिव में बना के देखो, उसके बाद से फिर आप इसको रियल में बनाना, नहीं तो यार मेहनत बर्बाद हो जाएगा, जब फार्म बनेगा नहीं तो बेकार हो जाती है मेहनत। तो ये है अपना बेस गाइज, हम आज सुबह के 2 बजे उठे हुए थे, नींद ही नहीं आ रही थी यार, तो मैं सोचा कि चलो कुछ फार्मिंग कर लिया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें बना लिया जाए, तो बनाया तो काम ही नहीं करता। अब अगला शायद हम आयरन फार्म बनाएं, देखा जाएगा। तो ये छोटा सा अपना बेस का हम टूर करा रहे थे, आप बने रहेगा और सब्सक्राइब कर दिया अगर जो अभी तक हो तो, कम से कम सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि आगे बहुत सारी औसम चीज़ें हैं। ये मेरा पता है, ये हमने मॉब फार्म बनाया, मॉब फार्म बहुत अर्जेंट चीज़ है यार, बिना मॉब फार्म का मुश्किल ही है सर्वाइव करना। हमको तो लगता है कि पूरा गेम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर जो कोई है ना फार्म, तो है मॉब फार्म। मॉब फार्म बनाओ, उसके बाद से आयरन फार्म है। चलो चलो खाओ एकदम, आ तो तुम्हारी पार्टी है, जाओ प्यार करो, चुम्मा उम्मा दो एक दूसरे को, और मेरे को बेबी चाहिए, मेरे को बच्चे चाहिए, बच्चे करवाने के। देख रहे हो यार गाइस कितने भिखारी हैं ये लोग, देख रहे हो गाइस, एक स्टैक खत्म हो गया, दूसरा स्टैक भी लगभग खत्म हो गया, अभी तो किसी ने चुम्मा चट्टी नहीं शुरू करी है। अरे यार एक दूसरे को किस करो यार, प्यार करो, यही तो जिंदगी होती है। हो गया एक बच्चा पैदा हो गया, और हमको आगे शुगर केन भी फार्म बनाना है, ठीक है। हमको समझ में नहीं आ रहा कौन सा फार्म पहले बनाए, मतलब कि यार आयरन फार्म भी जरूरी होती है। जब जब हम आयरन गोलेम को देखते हैं तो मेरा मन करता है ये करने को। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि पहले क्या बनाए, पहले हम बी फार्म बनाए, हनी भी बनाए, क्योंकि हनी भी बहुत ज़रूरी है भाई, बिना हनी का, हमको हनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हनी से ब्लॉक बनेगा, बिना ब्लॉक का आगे काम कुछ हो नहीं पाएगा। पता है असली गेम प्ले शुरू भी नहीं हुआ, सही बताया ना, असली लेट्स प्ले शुरू नहीं हुआ है। आपको लग रहा होगा ना कि ये तो बना ही लिया, एंडर ड्रैगन को हरा लिया है, नेदरराइट ले लिया है, तो गेम तो हो ही गया, कि नहीं असली गेम तो अभी शुरू नहीं हुआ। आपको बताएंगे असली गेम कब शुरू होगा, जब हमको देखो जैसे जैसे वीडियो डालते जाएंगे धीरे धीरे, जब जैसे प्रोग्रेस होते जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि असली गेम प्ले क्या होता है। गाइस बहुत मजा आता है, देख रहे हो, पता है हमको ये वाला मैप बहुत अच्छा लगता है, ये इलेक्ट्रा वाले मैप है ही यार, देखो। तो गाइस मिलते हैं हम लोग अगला एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, नाइस टू मीट यू, बाय।